वो पार्ट ए में आपने देख लिया था, पार्ट ए में मैंने क्या किया, डायग्राम समझाने की कोशिश की और ये कैलकुलेट किया। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल। वी वन सपोज करो माइनस क्यू का पोटेंशियल है और वी टू किसकी वजह से पोटेंशियल है, प्लस क्यू का पोटेंशियल है। ठीक है, वी वन इज द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड वी टू इज द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, अब वी वन कितना होगा, वी वन हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा। वी वन को हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू बाई आर। ठीक, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर की जगह हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ए बी। ठीक है बेटा, पोटेंशियल मैंने बताया था, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को साइन के साथ लिखेंगे और साइन यूज करना बहुत जरूरी है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई आर की जगह लिखा जाएगा ए पी, और ए पी का वैल्यू कितना है, आर प्लस में ए कोस थीटा। क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू आर प्लस में ए कोस थीटा। सिमिलरली वी टू आ जाएगा प्लस क्यू की वजह से, इसका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई बी पी, के क्यू बाई आर होता है और इसका डिस्टेंस कितना होगा बी पी, और बी पी का वैल्यू कितना लेंगे, आर माइनस ए कोस थीटा, के क्यू आर माइनस ए कोस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, पी पे टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, वी वन प्लस में वी टू, दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लो, माइनस के क्यू आर प्लस में ए कोस थीटा, के क्यू आर माइनस में ए कोस थीटा। ठीक है बेटा, क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस आर प्लस में ए कोस थीटा और आर माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, अब मैं डायग्राम को रब कर रहा हूँ, डायग्राम आपने बना लिया होगा, समझ भी लिया होगा। ठीक है, या चलो इधर कर देता हूँ, डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो एलसीएम लेना आता है सभी को, चलो एलसीएम लो, एलसीएम आएगा के क्यू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा और यहाँ आ जाएगा आर माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, अब ध्यान से देख रहे हैं, माइनस आर हो जाएगा और ये प्लस ए कोस थीटा हो जाएगा, तो माइनस आर हो जाएगा प्लस में ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, आर प्लस ए कोस थीटा, आर प्लस में ए कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है, आर कैंसिल हो जाएगा, टू ए कोस थीटा हो गया, ए कोस थीटा कितना हो गया, टू ए कोस थीटा, और ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा नीचे, तो बी कितना आ जाएगा, के क्यू टू ए कोस थीटा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलो बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, क्यू इंटू टू ए क्या होता है, क्यू इंटू टू ए सबको पता है ये पी होता है, तो इसको पी से रिप्लेस कर दें, तो P से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, करो बेटा क्या आ जाएगा, तब तक आप अपने से ट्राई करें, कितना आ जाएगा, V आ जाएगा K, Q इंटू टू आ जाएगा P, ये जाएगा K P cos थीटा, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, ये आपका जनरल केस आ गया। इसे स्पेशल केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इफ आर इज मोर मोर ग्रेटर देन ए, सपोज करो आर का वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा है, देखो कोस थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वन हो सकता है, तो अगर आर ए से ज़्यादा हुआ तो ये पूरी टर्म इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि ए स्क्वेयर को कोस स्क्वेयर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो कोस स्क्वेयर थीटा मैक्सिमम वन हो गया, तो वन इंटू ए स्क्वेयर ही रहेगा, तो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर करें, ए स्क्वेयर बहुत छोटा है, तो ये नेगलेक्ट होगा, तो ये पूरा ही नेगलेक्ट होगा, क्योंकि कोस की टेंशन लेनी नहीं है, वन से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा नेगलेक्टेड। अब इसको नेगलेक्ट कर देंगे बेटा, नेगलेक्ट करने के बाद क्या बचेगा, वी आ जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर।
ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। अब ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को आप एक्सियल लाइन में और इक्विटोरियल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें, सपोज करो ये वाला जो पॉइंट पी है, दिस इज योर पॉइंट पी, अगर ये एक्सियल लाइन पे लाई करता, दिस इज योर एक्सियल लाइन, सपोज करो ये यहाँ लाई करता, तो अगर पी यहाँ होता तो आर इधर होता, यहाँ से लेके यहाँ तक आर होता, यहाँ से लेके यहाँ तक ओ से पी तक का आर इधर होता और पी भी इधर होता, तो थीटा कितना हो जाता? जीरो। तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा कितना होता? जीरो। पुट करो, वी एक्सियल कितना आ जाएगा? कोस जीरो कितना हो जाएगा? थीटा जीरो होगा तो कोस जीरो सभी को पता है कितना हो जाएगा बेटा? कोस जीरो वन, तो आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर सपोज करो ये वाला पॉइंट इक्विटोरियल लाइन पे होता, इधर ये इक्विटोरियल लाइन है, यहाँ पे पॉइंट होता, तो आर आपका यहाँ से यहाँ तक होता ऐसे, और पी ऐसे, थीटा 90 डिग्री हो जाता आर और पी में, थीटा 90 होता तो देखो क्या होता, बोलो, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो कोस 90 तो जीरो होता है, तो इक्विटोरियल लाइन पे बात करें तो थीटा कितना होगा? 90, और कोस 90 कितना हो जाएगा? जीरो। कोस 90 जीरो हो जाएगा तो वी कितना आ जाएगा? वी इक्विटोरियल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे दो कंक्लूजन आ गए, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल के पी बाई आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर जो भी डिस्टेंस होगा। देखो डिस्टेंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इक्विटोरियल लाइन और एक एट एनी पॉइंट का भी केस है जो हमने डिस्कस नहीं किया, तो सभी में डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है? सेंटर से। तो इसमें कंक्लूजन ये है, कोई भी पॉइंट आ जाए, जैसे मान लेते हो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें या ये यूज़ करें। अगर ए का वैल्यू नेग्लिजिबल है तो आप आर का वैल्यू ज़्यादा है तो ये यूज़ कर लें। एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला ये आ गया, थीटा जीरो पुट कर लें, और इक्विटोरियल के लिए थीटा 90 पुट कर लें। ये ध्यान रखें थीटा किसके बीच में एंगल है? आर और पी में। आर आपका ओ से पी तक का डिस्टेंस होगा और पी आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा। तो यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें आप एक्सियल इक्विटोरियल एट एनी पॉइंट तीनों केस मैंने कवर कर दिए हैं। इक्विटोरियल पे हमेशा पोटेंशियल जीरो होगा, ये बात न्यूमेरिकल में कई बार यूज होगी, ध्यान रखना। इक्विटोरियल पे पोटेंशियल जीरो क्यों हो रहा है समझने की कोशिश करें, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू। इक्विटोरियल लाइन पे जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही इसका होगा, बोलो, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा इसका पॉजिटिव, तो टोटल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इक्विटोरियल पे कहीं भी पॉइंट ले लो, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। चार्ज भी क्या है? सेम, लेकिन साइन क्या है? अपोजिट। तो एक का के क्यू बाई आर आएगा, एक का माइनस के क्यू बाई आर आएगा, तो नेट पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। आगे बात समझ में, सिंपल है। कई बुक में इसी फॉर्मूले को आपको वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे भी लिख देंगे, इसको ऐसे भी लिख देंगे के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। चलो छोड़ो, ये कहीं आएगा तो यूज कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक कर लो।